मेरा नाम नवदीप कौर है और मैं बैतूल विकास संगठन से हूँ और मैं पंजाब से हूँ। हम लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं, मीडिया हो चाहे यहाँ के लोग, यही बोल के किसानों का बोल। तो आप लोग देखें, किसान और मजदूर आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोडक्शन देखिए, उत्पादन से बनते होते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो किसान है वो खेतों में उत्पादन कर रहा है और जो मजदूर है वो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही तबके लगातार पीछे जा रहे हैं और सरकार है जो लगातार मजदूर और किसान को बेच के, उनके हकों को बेच के अपने पेट भर रही है। पहले हम लोगों ने देखा बैंक बिक गई है, हमारे कॉलेज बिक गए हैं, हमारे स्कूल बिक गए हैं, अभी सड़कें, रेलवे, पता नहीं क्या क्या बेच दिया है उन्होंने। अभी सिर्फ किसान के खेत बाकी थे और वो भी बेच दिए हैं। जिन फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं वो भी बिक गए हैं और उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हमारा पूरा देश बिक गया है। सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये मजदूरों की लड़ाई भी है, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई भी है। तो हम लोग जब तक एक साथ नहीं आएंगे तो ना तो किसान कामयाब है ना हम लोग कामयाब हैं। तो लगातार से हम लोग देख रहे हैं कि पहले NRC आई है, फिर महिलाओं को लेकर हम लोगों ने देखा है, फिर लॉकडाउन में मजदूरों का हाल देखा है, अब हम किसानों का हाल देख रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग एकजुट नहीं थे, अभी किसान आए तो साथ में मजदूरों को आना पड़ेगा वरना यहाँ पे हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो हमारी भी कुछ मांगें जो किसानों के साथ ही हैं, किसान और मजदूरों की मांगें एक साथ हैं। जो हमारा मांग पत्र सरकार को हम लोग लेने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, जिसमें हम लोगों ने दर्शाया है कि जो प्राइवेट कर रहे हैं कंपनियों को और खेतों को, तो उसको वापस लिया। जो 3 बिल जो मजदूरों के खिलाफ पास हुए हैं और 3 बिल जो किसानों के खिलाफ पास हुए हैं, उनको रद्द किया जाए, वरना हम लोग मजदूरों को यहाँ पे लेके आएंगे, सारी फैक्ट्रियाँ बंद करवाएंगे। जो इनका माल जा रहा है अलग रास्तों से, रेला की साइड से रास्ते से माल जा रहा है, हम लोग सारी कंपनियाँ बंद करवा के मजदूरों की स्ट्राइक यहाँ पे करवाएंगे। लगातार जैसे अभी खेतों का भी देख रहे हैं, हम प्राइवेट हो रहे हैं, तो जहाँ पे मजदूर काम करते हैं, तो मैं भी एक फैक्ट्री में काम करती हूँ मजदूरों के साथ। तो जिन फैक्ट्री में हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे ये सरकारी फैक्ट्री नहीं है, ये फॉरेन में जाता है सारा। तो जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो कानून के तौर पे 9,300 देने का है इनका, लेकिन 12 घंटे काम करवा के उनको 6,000 या 7,000 दिया जाता है और महिलाओं की सैलरी तो उससे भी कम है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इन लोगों ने एक बिल लेके आए थे कि जो कंपनी है अपनी तरफ से, जो कंपनी की तरफ से लोग काम कर रहे हैं उनको भी ठेके में ला सकती है और ठेके से जा उनको बाहर निकाल सकती है। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर किसी करंट लग के मौत हो जाती है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कंपनी को कुछ नहीं देती। लॉकडाउन में भी उनका बुरा हाल हुआ है। तो हम लोग भी किसानों के साथ जोड़ते हुए देख रहे हैं कि हम लोग भी प्राइवेट जो निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मजदूर भी निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम दोनों ही जो मजदूर और किसान हैं, जो देश को पाल रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सारा देश बिक गया है। जो मजदूर है सुई से लेकर जहाज तक मजदूर बनाता है, जो पूरा अन्नदाता है वो पूरे देश को राशन पहुंचाता है, ये दोनों ही तबके लगातार नीचे जा रहे हैं। मजदूर और किसानों की दशा इतनी ख़राब हो गई है, हम लोगों ने देखा है कि लॉकडाउन में जो अंबानी है वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में, सॉरी दुनिया के सारे जो अमीर लोग हैं उनमें से आगे पहुँच गया। तो एक तरह तो हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं, तो वो अमीर कैसे बन गया, हालांकि वो हमारे देश का है। तो इससे साफ दिख रहा है कि ये लोग दलाल हैं, जो बाहर के पूंजीपति, जो अमेरिका जैसे बड़े बड़े दलाल देश हैं, उनके हाथों की कुछ कंपनियां हैं, जो पूरा सामान है, यहाँ के खाद खदान है, यहाँ के बड़े बड़े जो फसलें हैं, सारा कुछ वो बेचा जा रहा है, जिससे हमारे किसान और मजदूर और छात्र जो महिलाएँ हैं लगातार परेशान हैं। हाँ, अगर महिलाओं की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी ही ज़्यादा है जितनी कि पुरुषों की है। आप लोग देखिए, चाहे फैक्ट्री हो चाहे वो खेत हो, महिला घर में भी काम करती है और खेतों में भी काम करती है। महिलाओं की भी उतनी ही बुरी दशा हो रही है जितनी कि हम लोग किसानों की देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग महिलाएं हैं तो आज हमारे सामने नहीं दिख रही हैं, क्योंकि महिलाएं ठीक हैं, तो मतलब महिलाओं का भी उतनी ही भागीदारी है, महिलाओं की भी उतनी बुरी दशा है। महिला भी एक किसान है, महिला भी एक श्रम करती है, उसकी भी लूट होती है, महिला का दुगनी तिगनी लूट होती है, खेतों में भी उसकी लूट होती है, चाहे फैक्ट्री में काम कर रही है वहाँ भी उसकी लूट होती है, अमीर लोगों की तरफ से उसकी लूट हो जाती है, और महिला तो और ज़्यादा दबी हुई है।
किसान मजदूर ज्यादा महिला दबी है। तो हम लोग एक महिलाओं को भी देखते हैं कि दुनिया की आधी आबादी महिला है। अगर महिला हमारे साथ नहीं खड़ी होगी तो हम लोग कोई जंग नहीं जीत सकते। तो महिलाओं को भी हम लोग लगातार यह आह्वान करते हैं कि महिलाएं भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, ताकि महिलाओं की जो जिंदगी है वो भी आगे ठीक हो पाए। क्योंकि जो क्रांतिकारी संगठन निकल के सामने आते हैं तो जब ये सरकार के खिलाफ बोलते तो बहुत सारी सोच भी होती है, जो चेंज होती है। तो महिलाओं के खिलाफ जो बन रहा है, जो माहौल बनता जा रहा है, तो हम लोग इसको भी ठीक कर पाएंगे अगर महिलाएं लगातार सामने आ रही हैं। कितनी महिलाएं होंगी हरियाणा से और कितनी मजदूर महिलाएं होंगी पंजाब और हरियाणा? अभी मुझे लगता है कि काफ़ी लोग बहुत 12 किलोमीटर तक पीछे हैं लोग, तो मुझे इतनी गिनती नहीं पता है। और लगातार आज भी मजदूर महिलाएं भी यहाँ पे आई थी फैक्ट्री के तौर से, और किसानों की महिलाएं भी आ रही हैं, और यूनिवर्सिटी के तौर पे भी कुछ छात्र स्टूडेंट्स हैं वो भी आ रही हैं यहाँ पे, और महिलाओं की भागीदारी हो रही है। हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को लेके आया जाए।